दोस्तों, एक देश का विकास अलग अलग तरीकों से जज किया जाता है। किसी देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वहाँ सालाना कितना इनोवेशन हो रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस देश में लोगों का क्या रवैया है, उनका जीवन किस तरह के कामों पर निर्भर है, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और लॉजिस्टिकली क्या क्या सुविधाएं उस देश में उपलब्ध हैं, ये कुछ आयाम हैं जिससे किसी देश का विकास देखा और समझा जा सकता है। इन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लॉजिस्टिकल सपोर्ट। हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ हो या स्कूल में बुक्स और बेंचेस, सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए कार्गो शिपमेंट में स्पीड, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, लो रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा जैसे फैक्टर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ट्रेन्स, ट्रक्स, रोडवेज एक्सेट्रा का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, दुनिया एक ऐसे रास्ते का बखूबी इस्तेमाल कर रही थी जो नए इन्वेंशंस यानी रेलवेज, ट्रक्स एक्सेट्रा के कारण अब कम ही सुनने को मिलते हैं। वो हैं इनलैंड वाटरवेज। जी हाँ, रिवर सिस्टम्स, क्रीक्स, बैकवाटर्स, एस्टुअरीज एक्सेट्रा जैसी जगहों पर वाटरवेज बनाए जा सकते हैं। इनसे कार्गो मूवमेंट चीप और इजी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इंडिया में प्रपोज्ड और ऑपरेशनल वाटरवेज को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंडिया के मैरीटाइम डेवलपमेंट में इनलैंड वाटरवेज यानी अंतरदेशीय जलमार्ग ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। 2016 के द नेशनल वाटरवेज एक्ट ने 111 रिवर्स, एस्टुअरीज, रिवर स्ट्रेचेस, क्रीक्स एक्सेट्रा को इनलैंड वाटरवेज डिक्लेयर किया है। यूं तो नदियों, तालाबों और अन्य वाटर बॉडीज में छोटे वेसल्स कुछ दूरी की जगहों को सैकड़ों सदियों से कनेक्ट करते आ रहे हैं। कुछ केसेस में इनलैंड वाटरवेज कमर्शियल शिपिंग और लार्ज स्केल शिपमेंट को कोस्टल एरियाज और मेजर पोर्ट से देश के अंदर भी मूव करने में मदद करते हैं। और पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार ने नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें लार्ज स्केल कमर्शियल शिपिंग और नेविगेशन सिस्टम को 111 वाटरवेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा और वेल कनेक्टेड सिस्टम बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अपने इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन फेज के दौरान फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की एक सीरीज जनरेट करेगा और इंडिया की इकोनॉमी में डीपली पेनिट्रेट होगा। जॉब्स क्रिएट होंगी, कार्गो शिपमेंट में कॉस्ट कट होगी और रोडवेज और मेजर पोर्ट्स के बीच स्मूथ लिंक बनेगा। नेशनल वाटरवेज एक्ट यह अनिवार्य करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी वाटरवेज को सिस्टमैटिक और ऑर्डरली फैशन में इंप्लीमेंट करे। ये वाटरवेज देश में ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और सेंट्रल रीजन में फैले हुए हैं, जो करीब 24 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज से होकर गुजरते हैं। ये करीब 15,000 किलोमीटर लंबे जलमार्ग हैं। इसमें देश के 138 रिवर सिस्टम्स, क्रीक्स, एस्टुअरीज एंड रिलेटेड कैनाल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, जिनमें कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट्स कंट्री के अंदर मुमकिन हो सकता है। इन वाटरवेज के डेवलपमेंट में ये भी प्रपोज्ड है कि ये इंडियन रेलवेज के ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और साथ ही साथ सागरमाला प्रोजेक्ट को भी लिंक करेगा। दोस्तों, फ्रेट कॉरिडोर्स रेलवेज द्वारा केवल फ्रेट और कार्गो के मूवमेंट के लिए बनाई जा रही रेलवे लाइन है। वहीं सागरमाला प्रोजेक्ट में इंडिया के कोस्टल रीजन्स में कई मेजर और माइनर पोर्ट्स के रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। इससे इंडिया की इकोनॉमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ये लिंकेज इस तरह प्लान किए जा रहे हैं ताकि कॉमोडिटीज और कार्गो आसानी से रोड ट्रांसपोर्ट और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बीच शिफ्ट किए जा सकें। इनलैंड वाटरवेज अपने फुल स्कोप में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा माने जा रहे हैं। दोस्तों, इनलैंड वाटरवेज में कंटिन्यूस कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है और इन्हें मल्टीनोडल नेटवर्क यानी रोडवेज, फ्रेट कॉरिडोर्स एक्सेट्रा की जरूरत होती है। ऐसे में कई पोर्ट और टर्मिनल्स ऐसे भी बनाए जाएंगे जहां मल्टीनोडल हब्स डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल, वाराणसी, यहां एक हब बनाया जाएगा जहां रेल, रोड और वाटरवेज तीनों की कनेक्टिविटी मौजूद होगी। इंटीग्रेटेड नेशनल वाटरवेज ट्रांसपोर्ट ग्रिड का प्लान है कि कई नेशनल वाटरवेज को रोड्स, रेलवेज और मेजर पोर्ट से जोड़ा जाए। इस ग्रिड को डेवलप करने का एस्टिमेटेड बजट है ₹22,763 करोड़। इसमें से फेज फर्स्ट 2015 से 18 तक चला था, जिसमें 2631 करोड़ रुपीस का खर्चा था। दूसरा फेज 2018 से 2023 तक के लिए है, जिसमें 20,132 करोड़ की लागत लगेगी। साथ ही साथ बड़ी संख्या में पोर्ट्स, टर्मिनल्स, रिवर साइड जेटीज,
गोडाउन्स, बोट बिल्डिंग वर्कशॉप्स, रिपेयरिंग यार्ड्स और एनक्लेरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी तेजी से बढ़ेगी। इंडिया में 111 वाटरवेज डेवलप हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मुताबिक इनमें से 13 वाटरवेज फिलहाल ऑपरेशनल हैं। पहला और सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे और NW1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के बीच अंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पर मौजूद है। ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवे है। इसी तरह NW2 धुबरी सादिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में लोकेटेड है। NW3 कोटापुरम कोलम के बीच चंपाकारा एंड उद्योग मंडल कैनाल्स पर लोकेटेड 205 किलोमीटर लंबा वाटरवे है। ये केरला में लोकेटेड है। विजयवाड़ा से मुक्तियाला के बीच 82 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवे 3 कृष्णा रिवर पर आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इसी तरह 4 वाटरवेज महाराष्ट्र में, 2 गोवा में, 2 गुजरात में और 1 वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में मौजूद है। इनलैंड वाटरवेज नेटवर्क यदि वेल कोऑर्डिनेटेड, एफिशिएंट और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के साथ हो तो किसी देश के लॉजिस्टिक सिनेरियो में फंडामेंटल चेंजेस ला सकता है। ये नेटवर्क एक बार बन जाने के बाद एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है और ना ही ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इसमें केवल तब कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है जब इसे इम्प्रूव या अपग्रेड करना हो। वाटरवेज हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बाकी रोड्स को डीकंजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कार्गो का सिग्निफिकेंट लोड वो खुद पर ले लेते हैं। बेनिफिट्स में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इसमें लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस ना के बराबर होते हैं। लैंड एक्विजिशन अक्सर एक सेंसिटिव इशू रहता है और कई प्रोजेक्ट्स के स्टॉल होने का कारण भी बन जाता है। लैंड एक्विजिशन ना होने के कारण टाइम और कॉस्ट की बचत भी होती है। इंडिया को रोड्स और हाईवेज बनाने के लिए जिस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो बचाया जा सकता है यदि वाटरवेज का यूटिलाइजेशन सही ढंग से किया जा सके। इसके अलावा ये वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन के बाकी अल्टरनेटिव से चीप हैं। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड यानी RITES की एक स्टडी के मुताबिक इंटीग्रेटेड नेशनल वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड में कार्गो के मूवमेंट में बहुत कम खर्चा होगा। स्टडी ने बताया कि रोड पर 1 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर फ्यूल में केवल 24 टन कार्गो मूव करता है, वहीं रेलवेज में 95 टन, लेकिन 1 लीटर फ्यूल में इनलैंड वाटरवेज 215 टन पर किलोमीटर मूव होता है। इंडिया भी अब चाइना, रशिया और USA की ही तरह इनलैंड वाटरवेज की रेस में आगे आ रहा है। आने वाले वक्त में कार्गो और ट्रैफिक दोनों ही बढ़ने वाले हैं। ऐसे में इनलैंड वाटरवेज आने वाले वक्त में इंडियन बिजनेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर मूवमेंट्स और टूरिज्म को देखते हुए काफ़ी मददगार होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इनलैंड वाटरवेज कैसे इंडिया के फ्रेट मूवमेंट को ईजी बना सकते हैं और कैसे वो एक्सप्रेस वेज और इकोनॉमिकल कॉरिडोर पे लोड घटा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और इसके अलावा और ऐसे कौन से वेज हैं जिनसे ट्रैफिक कंजेशन और एक्सप्रेस वेज के लोड को कम किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।